दोस्तों, सिंपल मछली तो आपने बहुत बनाकर खाए होंगे। आज हम आपको हरे मटर डालकर मछली कैसे बनाई जाती है उसका रेसिपी बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हरे मटर डालकर मछली कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ हमने 1 केजी मछली ली है, जिसे हमने अच्छे से धो लिया है। मछली में डालने के लिए हमने सरसों, लहसुन, जीरा और काली मिर्च का पेस्ट पहले से बनाकर तैयार कर रखा है, और साथ ही इसमें हमने स्वाद अनुसार मिर्च, नमक और हल्दी भी डाल लिए हैं। उसके बाद हमने छोटे साइज़ के 3 टमाटर को गोल गोल काट लिए हैं। 1 कटोरी भर मटर के दाने लिए हैं। मटर के दाने आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही हमने ले लिया है कटी हुई हरी धनिया की पत्तियाँ। अब हम मछली में 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मछली में हमने हल्दी और नमक मिला लिया है, और एक साइड हमने कढ़ाई में तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था, जो कि अब गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें मछली की चीज डालकर इसे पलटते हुए अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। देखिए, मछली अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारी मछली को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो अब हमारी सारी मछली फ्राई हो चुकी है। अब हम तेल में आधा चम्मच सरसों का फ़ौरन डालेंगे, और जब सरसों अच्छे से चटक जाए तो इसमें हम तैयार किया गया मसाला डाल देंगे। मसाला डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए तेज आंच पर ही भून लेंगे। लगभग 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें हरे मटर का दाना डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। लगभग 5 मिनट तक मीडियम आंच पर मटर को मसाले के साथ भूनेंगे। पाँच मिनट बाद जब मसाला अच्छे से तेल छोड़ने लगे, तो इसमें हम डाल देंगे काटा हुआ टमाटर और हरा धनिया का पत्ता। टमाटर और हरा धनिया का पत्ता डालने के बाद मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। पानी डालने के बाद गैस का फ्लेम कर देंगे हाई। मसाले को अच्छी तरह से चला लेंगे और ढक के छोड़ देंगे। बीच बीच में हम मसाले को चलाते रहेंगे, ताकि मसाला नीचे से लग ना जाए। मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले का पानी सूख ना जाए और मसाले में से तेल ना छूटने लगे। तो आप देख सकते हैं, मसाले का पानी सूख गया और तेल भी छूटने लगा है। तो अब हम इसे चला लेते हैं और इसमें डाल देते हैं 2 गिलास पानी। पानी आप कम या ज़्यादा ग्रेवी के हिसाब से डाल सकती हैं। पानी डालने के बाद हम इसे एक उबाल आने तक के लिए ढककर छोड़ देंगे। तो देखिए, पानी में उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें फ्राई की हुई सारी मछलियाँ एक एक करके डाल देंगे।
मछलियाँ डालने के बाद हम इसमें ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ता और डाल देंगे। उसे 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे पकने देंगे। 2 से 3 मिनट बाद गैस को बंद कर देंगे और मछली को ढक देंगे। तो अब आप देख सकते हैं मछली बनकर तैयार है। दोस्तों, एक बार आप हरा मटर डालकर मछली अपने घर पे ज़रूर बनाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।